सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग एक बिगिनर होके फर्स्ट टाइम कैसे पब्लिक प्लेस में जाकर ब्लॉग वीडियो बनाओगे। तो मैं आज इसी टॉपिक को अगर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मैं भी एक बिगिनर हूँ, तो मैं एक बिगिनर होकर कैसे पब्लिक प्लेस में जाके फर्स्ट टाइम ब्लॉग वीडियो बनाया, तो मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा था तो वहीं पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और हम लोग का जो बकरा ईद है तो उसी का ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। शाम को टाइम सब कोई घूम रहा था, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, घूमने में काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। फिर मैं सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग वीडियो बना लिया जाए, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और मैं जो वीडियो बना रहा था तो उतना अच्छा नहीं बन पाया है मुझसे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और मैं ठीक ठाक कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, ऐसे ही लग रहा था। और वीडियो बनाने के पहले मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, तो और काफ़ी ज़्यादा शर्म भी लग रहा था, डर भी लग रहा था थोड़ा सा। तो मैं ये सब कैसे अवॉइड किया, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग मेरा वीडियो को देखें। ओके फ्रेंड्स, यू कैन सी द क्राउड। चलो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे क्राउड। तो मेरा सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पीछे भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ओके ब्रो, तो गाइस मैं आज भीड़ में एक ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारा लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। और क्या है ना, मैं कभी भीड़ में ब्लॉग वीडियो शूट नहीं करता हूँ, तो सबको आज मेरे तरफ देख रहे हैं। तो गाइस इधर देख सकते हो काफ़ी बड़ा एक तालाब है, ये देख लो भाई। हेलो, आप मेरा थोपड़ा देख सकते हो, और ये मेरा दोस्त है, एक नंबर का घुंचू दोस्त। तो गाइस आज ईद जुहा का दिन है, तो आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। गाइस मैं अभी बादाम खरीदूँगा। टाइम पास खाली गाइस अभी शाम लग चुका है, अभी हम लोग को गाँव जाना पड़ेगा, चोट लग चुका। तो फ्रेंड्स अभी मैं बादाम खा रहा था, तो फ्रेंड्स अभी मैं घर जाऊंगा, क्योंकि एक जगह घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और मुझे गाड़ी नहीं मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। पिछली बार जब ईद के टाइम आए थे, तो जब ईद के टाइम आए थे ना, उस टाइम मुझे गाड़ी भी नहीं मिला था, एकदम पैदल चल के गए थे भाई, घर तक नहीं मतलब आधा गए थे, आई मीन 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम कुछ भी नहीं मिला था। और ऐसे भी हमें अभी हम लोग एक लूटो वाला को बोल के रखे हैं कि भाई अभी हम लोग जाएंगे शाम को टाइम घर को, तुम टाइम पे आ जाना था। अभी देख सकते हो नीचे की तरफ कितना ज़्यादा भीड़ है, और वाओ लाइटिंग को ज़रा देखो, ये देखो मोबाइल को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मोबाइल लेके कोई भी भाग सकता है भाई। लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। ओके, तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है तो उतना अच्छे से नहीं बन पाया है मुझसे, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ और मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक प्लेस में जाकर ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए ये जो वीडियो बनाया था मैंने, बहुत लंबा हो चुका था वीडियो और उतना अच्छे से नहीं बना पाया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कट करके आप लोगों को दिखाया। तो देखो, हर कोई काम फर्स्ट टाइम कोई ठीक ठाक नहीं कर पाता है, तो मैं भी एक बिगिनर हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम जो बना रहा हूँ ना पब्लिक प्लेस में, इसलिए मैं ठीक ठाक नहीं बना पा रहा था, मेरा कैमरा एंगल ठीक ठाक नहीं था, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगा, ऐसे ही लग रहा था, कुछ ठीक ठाक बोल भी नहीं पा रहा। तो ये वीडियो उतना अच्छे से नहीं बन पाया है मुझसे, लेकिन इस वीडियो से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिली है, जैसे कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील होता था, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म लग, और मैं जो वीडियो बना रहा था तो अगर लोग देखेगा मेरे तरफ तो लोग क्या सोचेगा, ऐसा ही मैं भी सोचता था। और ये सब अभी मुझसे काफ़ी दूर हो चुका है, अब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कहीं पर भी जाकर ब्लॉग वीडियो शूट कर सकता हूँ,
कोई भी पब्लिक प्लेस में। देखो पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो मैं जिस तरीके से बनाया हूँ अगर आप लोग भी मेरा इस रूल को फॉलो करोगे तो आप लोग भी शायद बना सकते हो। देखो अगर आप पब्लिक प्लेस में ब्लॉग वीडियो बनाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी पब्लिक प्लेस में मत जाकर वीडियो बनाओ। कोई ऐसा पब्लिक प्लेस में जाओ ताकि आपको कोई वहाँ का आसपास का लोग ना पहचाने, कुछ ऐसे पब्लिक प्लेस में जाओ। और इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा कंट्री चले जाओगे, अगर आप जा सकते हो तो और भी अच्छा है। तो आप ऐसा कोई पब्लिक प्लेस ढूंढो कि आपका घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, कोई मार्केट हो या कोई भी जगह हो कि आपको वहाँ का लोग नहीं पहचानता है। अगर आपको कोई पहचानेगा तो आप लोग नहीं बनाने पाओगे। तो मैं भी कुछ ऐसा ही किया हूँ। मैं मतलब हम लोग का जो ईद जुहा का दिन था इसलिए मैं घूमने गया था, हम लोग का घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है वो जगह, मैं घूमने गया था जहाँ 10-12 किलोमीटर दूर है, वहीं पर सब कोई घूम रहा, तो वहाँ का लोग मुझे नहीं पहचानता था इसलिए मुझसे ब्लॉग वीडियो बनाना पॉसिबल हो पाया है। तो मैं एक बिगिनर होकर ये सब कैसे किया तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जब ब्लॉग वीडियो बनाने गया तो मैं सोचा था कि डायरेक्टली एकदम पब्लिक प्लेस में जाकर ब्लॉग वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा दूर गया जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, वहीं से काफ़ी ज़्यादा दूर गया और एक खाली जगह ढूंढा जिसके आसपास लोग नहीं था, तो वहीं से ही मैं वीडियो को स्टार्ट किया। तो हर कोई यूट्यूबर्स जिस तरीके से ब्लॉग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग, इस तरीके से मैं भी किया था उस खाली जगह में जाके, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में नहीं बना पा रहा था। अगर आप डायरेक्टली पब्लिक प्लेस में जाकर ब्लॉग वीडियो को स्टार्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पाओगे तो मेरी तरह भी कोई खाली जगह को ढूंढो फिर वहीं से ही वीडियो को स्टार्ट करो। तो यही था प्रोसेस बिगिनर होकर ब्लॉग वीडियो बनाने का। अगर आपका मन करता है कि पब्लिक प्लेस में जाकर ब्लॉग वीडियो बनाने का तो आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आज के लिए तो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और आप लोग भी जाओ कुछ इस तरीके से वीडियो को बनाओ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग बना पा रहे हो कि नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।